केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इसी क्रम में समाज सेवी भी अपना पूर्ण योगदान लोगों की सेवा के लिए दे रहे हैं। कुछ लोग जानकारी न होने के चलते योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक दंपति ने बीड़ा उठाया है और लोगों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर छात्र छात्राओं को भी शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं। दंपति की यह पहल लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी है। पहले की देश सेवा और अब कर रहे समाज सेवा। वरिष्ठ समाज सेवी सुभाष कश्यप ने बताया कि कड़ी मेहनत करने के बाद वह देश की सेवा में शामिल हुए और 15 वर्ष तक देश की सेवा की, जिसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद वह अपने गांव पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने समाज सेवा शुरू कर दी। अपनी पत्नी रूबी कश्यप के साथ मिलकर वह गांव-गांव जाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने लगे और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को जागरूक कर उन तक योजनाएं पहुंचाने लगे। वृद्ध पेंशन, किसान सम्मान निधि, छात्र छात्राओं की शिक्षा के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, विकलांग सर्टिफिकेट व विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक किया और उनकी समस्याओं का समाधान कराया। रूबी कश्यप का कहना है कि इससे उनके मन को सुकून मिलता है। वह अपने घर के कार्यों के साथ साथ लोगों की सेवा करती हैं। वह एक सामान्य परिवार से हैं और जो उन पर बन सकता है वह भी लोगों की सेवा में लगा देते हैं। समय समय पर लोगों के लिए हेल्थ कैंप का भी आयोजन करते हैं और हेल्थ कैंप में लोगों को पहुंचकर उनका निःशुल्क उपचार भी कराते हैं। अन्य प्रदेशों के लोगों को जोड़कर भी समाज सेवा करने का काम वह अब अन्य प्रदेशों में बढ़ा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा जी। मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है। मैं देश की सेना में लगभग 15 साल 5 महीने 2 दिन सर्विस करी है और वहां से सेवा मुक्त होने के बाद में मैंने समाज में जागरूकता लाई है। गांव में, शहर में, बागपत जनपद, बागपत लोकसभा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जहाँ जहाँ भी हमारा आना जाना होता है तो वहाँ पे भी हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए मोटिवेट करते हैं। महिलाओं को, बुजुर्गों को सरकार से जो सहायता मिलती है उसको दिलवाने का भी प्रयास करते हैं और समाज सेवा जितना संभव हो सकता है सर हम करने का प्रयास करते हैं। अपने घर परिवार का भी काम करते हैं। कौन कौन साथ, कितने लोग हैं आपकी टीम में? देखिए, टीम कोई नहीं होती। जब शुरुआत करते हैं कारवा अपने आप बनता चला जाता है। सबसे पहले मेरी धर्मपत्नी रूबी कश्यप मेरे साथ होती है और जहाँ पे भी जो समस्याएं होती हम दोनों खड़े होकर चल देते हैं। बाकी सब लोग तो मिलते चले जाते हैं और हमें पूरी मदद करते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों की मदद करते हैं और लोग भी हमारी खूब मदद करते हैं, जिससे कि देश के लोगों को, समाज के लोगों को सरकारी सहायता को हम दिलवा सकें।